धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईसकांत। देश की राजनीतिक राजधानी यानी कि दिल्ली में रोजाना 5000 लोगों को कुत्ते काट लेते हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं। गिनती 5000 लोगों की। कहां से ये गिनती आई है, बाकायदा बोलती हुई तस्वीरों की जबानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसके अलावा खबर आ रही है देश की व्यावसायिक राजधानी से, जिसे हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं। वहां कुत्तों के बीच और बंदरों के बीच गैंगवार शुरू हो गई। अभी तक आपने सुना होगा ना, बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के जो गैंग हैं उनके बीच मुंबई में गैंगवार चलती है। लेकिन महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि वहां कुत्तों और बंदरों के बीच गैंगवार चल रही है और बंदरों ने 250 कुत्तों को पिछले एक महीने के दौरान मौत के घाट उतार दिया है। कैसे इन दोनों खबरों को देखा और समझा जा सकता है, दो हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, खबर के पहले हिस्से को शुरू करें उससे पहले कुछ जानकारियां आपके सामने रख देना चाहता हूं। जैसे आप ये अलीगढ़ की खबर देख सकते हैं, इसके अलावा कई और जिलों की खबरें देख सकते हैं। ये तमाम खबरें उत्तर प्रदेश की हैं। यहां बंदरों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बंदर लोगों को लहूलुहान कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों तक को उठा के ले जाते हैं और फिर पटक देते हैं, उनकी मौतें तक हो रही हैं। लेकिन सरकार खामोश है, बेहिस है, संवेदनहीन हो चुकी है। उसे कोई मतलब नहीं है बंदरों के इस आतंक से, बल्कि अगर कोई बंदरों को मार देता है तो उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की जाती है और सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का पूरा प्रयास तक किया जाता है। अब आते हैं उस खबर पे जो आई है हमारे पास महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र का एक बीड जिला है जहां की खबर मैंने सुबह आपको बताई थी कि नवाब मलिक ने बताया कि यहाँ भाजपा का एक MLC और एक विधायक 7 मंदिरों की 300 एकड़ जमीन कब्जा चुका है, हड़प चुका है। उसी बीड जिले से खबर आ रही है जो अमर उजाला में छपी है कि पिछले एक महीने के दौरान बंदर 250 कुत्तों को मौत के घाट उतार चुके हैं। छोटे छोटे कुत्ते के बच्चों को उठा के ले जाते हैं और फिर उनको मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और उसने बंदरों को पकड़ने का काम शुरू कर दिया है। ये खबर महाराष्ट्र से सामने आई है, जिसे हम कह रहे हैं कि मुंबई की ये खबर है। अब चलते हैं दिल्ली की खबर की तरफ। देखिए, दिल्ली की खबर आपके सामने रखूं उससे पहले कुछ जानकारी आपके सामने रखना ज्यादा बेहतर होगा। 17 दिसंबर का दिन था जब दिल्ली के मोतीनगर थाना क्षेत्र के DDA पार्क में 3 साल की एक बच्ची को कुत्तों ने नोच कर, काट कर, खा कर मौत के घाट उतार दिया। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने का दावा कर रही है। कह रही है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद बता पाएंगे असल में बच्ची मरी कैसे है। लेकिन बच्ची अपने परिजनों के साथ इसी पार्क में रहती है। बच्ची के माता पिता जो हैं माली हैं और इसी पार्क की देखभाल करते हैं। यहां आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता ने मेनका गांधी को ट्वीट कर दिया और कहा कि कुत्तों के अधिकार ज्यादा हैं, इंसानों के अधिकार कम हैं। चलिए, कम से कम कुत्तों के मामले में इतना तो बोल रहे हैं, वरना गाय के नाम पर कैसे मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की गई है और आज तक की जाती रहती है। आलोक मेहता का वहां तो कभी खून खोला नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, वैसे तो देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार है, हम भी इनकी बहुत इज्जत किया करते थे, लेकिन ये भी भूपू मीडिया कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं। चलिए, खैर इस मुद्दे पे जाके अच्छी बात है, इन्होंने मेनका गांधी को टैग कर दिया और इसके बाद डॉग केयर को लेकर एक नई बहस छिड़ गई। आप जानते हैं मेनका गांधी जो है पशुओं के लिए, जानवरों के लिए खूब अच्छे से काम करती हैं और इसके लिए जानी पहचानी जाती हैं और उन्हें कहीं भी पशुओं पर, जानवरों पर उत्पीड़न का कोई मामला नजर आता है तो उसमें वो एक्शन भी करवाने, FIR भी दर्ज करवाने से पीछे नहीं हटती हैं। इसलिए आलोक मेहता ने उनको ट्वीट किया। लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद सौरभ भारद्वाज ने, वही सौरभ भारद्वाज जिन्होंने एक डेमो किया था विधानसभा के अंदर EVM मशीन का और बताया था कि कैसे उसको हैक कर लिया जाता है, लेकिन जब इनको चुनाव आयोग ने बुलाया था तो वहां जाने से इन्होंने इनकार कर दिया था डेमो करने के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा कि EVM इनके हाथ में नहीं देंगे, शायद इन लोगों का ऐसा कुछ कहना था। खैर छोड़िए उस मुद्दे को। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि असल में दिल्ली के अंदर 5000 लोगों को कुत्ते रोजाना काट रहे हैं। सुन लीजिए इनकी जबानी। क्योंकि दिल्ली में इतनी एजेंसी है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या काम काउंसलर का है, क्या काम MLA का है, क्या काम सांसद का है। तो हमने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर आपको बताया, आवारा पशुओं का मामला, स्ट्रे कैटल, जगह जगह गलियों के अंदर घूमती हुई गायों का मामला पूरी तरीके से MCD का है और MCD का काम है कि इन पशुओं को पकड़ के निर्धारित गौशालाओं के अंदर भेजें जहां पे दिल्ली सरकार बाकायदा पैसा देती है इन गायों के लिए। दूसरा मामला हमने बताया पार्किंग का, जो एक अर्बन सिटी होने के नाते दिल्ली के अंदर एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है।
साधारण मिडिल क्लास कॉलोनी हो या पॉश कॉलोनीज हो, हर जगह पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। और सीधा सीधा पूरी दिल्ली के अंदर पार्किंग का प्रयोजन करना, उसका मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना एमसीडी का काम है। आज मैं एक और मुद्दा लेके आया हूं, आवारा कुत्तों का मुद्दा, स्ट्रे डॉग्स का। खास तौर पे अंग्रेजी अखबारों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन मुद्दों को गंभीरता से समझें, और आप लोग जिन कॉलोनीज में रहते होंगे वहां आसपास पता करें कि ये मुद्दे लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी के मुद्दे हैं। आप किसी भी आरडब्ल्यू से बात कर लें, किसी भी आरडब्ल्यू की मीटिंग में चले जाएं, कहीं पे आप कॉलोनी के अंदर पार्क पे बेंच पे बैठ जाएं और बुजुर्ग क्या बात कर रहे हैं, कॉलोनी के लोग किस चीज से परेशान है, आपको पता चलेगा। डॉग मिनिस अपने आप में इतनी बड़ी, इतनी विकराल लेवल पे समस्या पहुंच चुकी है कि लोग अपने बच्चों को घर के बाहर भी नहीं भेज सकते। पार्कों के अंदर लोग अपने बच्चों को नहीं भेज पाते क्योंकि वहां पे स्ट्रे डॉग्स इतने फेरोशियस, इतने खुखार हो चुके हैं कि वो बच्चों पे, एडल्ट्स पे, महिलाओं पे बिना किसी प्रोवोकेशन के अटैक करते हैं। आज एक मामला मैं आपके सामने रख रहा हूं, 17 दिसंबर का मामला है, मोती नगर थाना क्षेत्र के अंदर नजफगढ़ रोड पे डीएलएफ के निकट डीडीए के पार्क के अंदर मां बाप ने अपने 3 साल के बच्चे को धूप में बिठाया खेलने के लिए और मां बाप वहां पे व्यस्त हो गए, कई बच्चे खेल रहे थे। उस पार्क के अंदर स्ट्रे डॉग्स ने, कुत्तों ने उस 3 साल के बच्चे पर अटैक कर दिया और उसको नोच खाया, उस बच्चे की मृत्यु हो गई। आप अंदाजा लगाइए उन मां बाप के बारे में कि उनकी आंखों के सामने एक पार्क में उनके 3 साल के बच्चे को कुत्तों ने नोच के मार डाला। ये दिल्ली का मामला है और इस समस्या को समझने के लिए, इसका अंदाजा लगाने के लिए आप सोचेंगे कि कितने लोगों को कुत्ता काटते होंगे, आप हैरान हो जाएंगे आंकड़े सुन के। एमसीडी के आंकड़ों की बात करते हैं, सिर्फ एमसीडी के आंकड़े जो हैं वो ये हैं कि 2017 में इनका आंकड़ा था, सिर्फ एमसीडी के अस्पतालों के अंदर हर रोज 225 लोग आते हैं जिनको कुत्ते ने काटा है। ये 2017 का आंकड़ा है। उसके बाद से एमसीडी के अस्पतालों में एंटी रेबीज की दवाई रखनी बंद कर दी। आप एमसीडी के अस्पताल में चले जाओ, हफ्ते में 7 में से 5 दिन या हो सकता है 7 दिन दवाई ही नहीं होगी, इंजेक्शन उपलब्ध ही नहीं होता। तो इस तरीके से एमसीडी ने अपने आंकड़ों को कंट्रोल करा कि आप दवाई रखनी बंद कर दो, इंजेक्शन रखने बंद कर दो तो लोग आना बंद कर देंगे, तो आपको जो आंकड़े देने पड़ते हैं उस आंकड़े के अंदर आप गड़बड़ी कर सकते हो। 2009 में इन्होंने आखिरी सेंसस कराया जिसके अंदर डॉग्स की संख्या इन्होंने करीब 5.25 लाख बताई। ये मेरे पास 2009 का एक कल एक टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक खबर छपी, उसके अंदर पूरा का पूरा इसका ब्यौरा था और इसमें बताया गया कि 2009 में जो आखिरी सर्वे कराया उसके अंदर 5,60,000 कुत्ते दिल्ली के अंदर बताए गए। अब एमसीडी प्राइवेट एनजीओज को करीब 1100 रुपए से लेकर 750 रुपए एक कुत्ते को स्टरलाइज करने के लिए देती है कि वो आगे रिप्रोड्यूस ना कर सके, उनकी आबादी ना बढ़ सके। ये एक साधारण सा तरीका है जो कोर्ट्स ने भी बताया कि आप इनको स्टरलाइज कर दें
कुत्तों की जो संख्या है, जनसंख्या है, वो रुक जाएगी। इसके अंदर एमसीडी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन मात्र कागजों में किया जाता है, क्योंकि आप कॉलोनी में कहीं पे भी देख लें कि कुत्तों की जनसंख्या लगभग बढ़ रही है। हर सीजन के अंदर आपको वहां पे छोटे छोटे कुत्तों के बच्चे जो है नजर आ जाते हैं। तो उस चोरी को छुपाने के लिए एमसीडी ने 2009 के बाद कुत्तों का सर्वे करना ही बंद कर दिया, इनका सेंसस ही करना बंद कर दिया, क्योंकि अगर फिर इनके सर्वे में ये आ जाएगा कि इस बार तो 5.5 लाख थी, अगले साल 6 लाख हो गई, तो एमसीडी के अधिकारियों से पूछा जाएगा, भाई आप ये 15-15 करोड़ रुपए का स्टेरिलाइजेशन कर रहे हो हर साल, ये पैसा कहां जा रहा है? तो इन्होंने सर्वे करना बंद कर दिया। अब आंकड़े आप इस चीज से समझ सकते हैं, अभी मैं 2 मिनट पहले एक अस्पताल में बात कर रहा था, LMJP हॉस्पिटल के MD साहब से मैंने पूछा कि रोज के डॉग बाइट के कितने केसेस आते हैं LMJP हॉस्पिटल में, एक अस्पताल में दिल्ली के। उन्होंने बोला रोज के 120 से 130 मामले आते हैं एक अस्पताल के। ये मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं आपको इंडिया टुडे की, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है 2019 की, स्ट्रे डॉग एंड मंकीज कंटिन्यू टू ब्लीड दिल्ली, और इन्होंने सिर्फ एक अस्पताल के आंकड़े बताए हैं, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, केंद्र सरकार का अस्पताल है इसलिए आंकड़े झूठे नहीं है, हमारे नहीं है, इनके हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने सोचा था कि इनके पास 200 पेशेंट डेली आएंगे डॉग बाइट्स के, मगर इनके यहां साल में जो आंकड़ा निकाला रोज 1000 पेशेंट आते हैं RML में डॉग बाइट्स के। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, एक अस्पताल में 1000 पेशेंट आ रहे हैं। अब आप मानिए किसी को अगर कुत्ता काटता है तो उसके अंदर कितने परसेंट लोग हैं जो सरकारी अस्पताल में जाते हैं? बहुत कम। आप भी सोचता है कौन सरकारी अस्पताल में जाएगा, धक्के खाएगा, वहां मिलेगी नहीं मिलेगी, आसपास के किसी डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा लो। प्राइवेट क्लिनिक्स का तो बेटा आप छोड़ दीजिए, सिर्फ अगर सरकारी अस्पतालों का भी आंकड़ा आप देख लें तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कम से कम 5000 लोगों को रोज दिल्ली के अंदर कुत्ता काटता है, रोज। इतना टेरर है दिल्ली के अंदर। आप किसी भी कॉलोनी के अंदर चले जाएं, आपको बता देंगे कि वहां पे एक ऐसा कुत्ता रहता है कि आप आते जाते वो आपको बाइट कर जाएगा। लेडीज ने घरों से बाहर शहर पे जाना बंद कर दिया है क्योंकि वहां पे इतने कुत्ते हो गए। और MCD इसके ऊपर कोई कार्रवाई जो नहीं कर रही है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। सिर्फ एक अस्पताल का आंकड़ा, इस अस्पताल का नाम है महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल, सिर्फ एक हॉस्पिटल का आंकड़ा दे रहा हूं, वहां पे पिछले एक साल के अंदर 38 मौतें रेबीज से हुई। अब आप समझ सकते हैं 38 लोग तो एक अस्पताल के अंदर रेबीज से मर गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद टीका भी नहीं लगवाया होगा, उनको कुत्ते ने काटा, हल्की सी खरोंच आई होगी, उन्होंने बोला चलो छोड़ो देखेंगे बाद में, और उनको रेबीज हो गए। और कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहेंगे। 2018 में 28 मार्च 2018 को उत्तम नगर इलाके में कुत्तों ने एक जवान लड़के को, एक टीनेजर को घर में घुसकर काटा और उसको खींचते हुए बाहर निकाल लिया। स्ट्रे डॉग्स का मामला है। 2015 में, अगस्त 2015 में 7 वर्षीय बच्चे को कुत्तों ने काटा और काट काट के उसकी हत्या कर दी, उसकी मौत हो गई, भयानक मौत हुई। पहाड़गंज के अंदर एक नवजात बच्ची को कुत्तों ने काट काट कर उसको नोच नोच कर मार डाला। 2020-21 के अंदर MCD ने डॉग स्टेरिलाइजेशन के लिए, सिर्फ नॉर्थ MCD का बता रहा हूं मैं आपको,
सिर्फ नॉर्थ एमसीडी ने स्टेरिलाइजेशन करने के लिए 15 करोड़ रुपए का आवंटन किया और स्टेरिलाइजेशन सेंटर बनाने के लिए 5 करोड़ का आवंटन किया, 20 करोड़ का। वो पैसा कहाँ गया, कितने डॉग्स को स्टेरिलाइज किया, इसका कोई अंदाजा नहीं है। बताया गया कि इसका कोई इनके पास डेटा नहीं। प्रतिदिन इन्होंने बताया कि इनके अस्पतालों में 125 से 150 केस आते हैं कुत्ते काटने के। और बड़ी बात, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इनके उप महापौर एसएस बाजवा, भाजपा के उप महापौर थे, उनकी बंदर के काटने से, बंदर के काटने के कारण बंदर ने उनको झपटा और वो गिरे, छत से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। समस्या ये है कि दिल्ली नगर निगम की कोई जवाबदेही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई दिल्ली नगर निगम के अंदर अगर कुछ गड़बड़ है तो आप किसको कहोगे? आप सोचोगे आप किसको जिम्मेदार ठहराना है, क्योंकि मेयर इनके हर साल बदलते हैं। आप मुझसे ही पूछोगे मेयर का नाम, मुझे ही नहीं पता इनके मेयर का नाम, क्योंकि कभी किसी को बना देते हैं, कभी किसी को बना देते हैं। आप पूछोगे इनके जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष होंगे, वो भी किसी काउंसिलर को बना देते हैं, उसकी खुद की कोई जवाबदेही नहीं। उनका खुद का जो है राजनीतिक कद इतना कम है कि आप उनसे क्या बात करेंगे और आप उनसे क्या ये उपेक्षा करेंगे, अपेक्षा करेंगे कि वो आपका किसी चीज का जवाब देंगे। वो सिर्फ रोज आरोप लगा के गायब हो जाते हैं, कोई सीरियस पॉलिटिशियन नहीं। दिल्ली नगर निगम पूरी तरीके से एक फेसलेस ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। और दिल्ली के लोग इन छोटी छोटी समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सुनने में बड़ी छोटी लगती है कि अरे यार एक कुत्ते काटना भी कोई परेशानी है, मगर अगर आप जाएं कॉलोनीज के अंदर तो लोग दहशत में हैं। जिस कॉलोनी के अंदर बीच पार्क में दोपहर में 3 साल की बच्ची को झपट्टा मार के कुत्तों ने मार डाला, आप सोचिए कि उस कॉलोनी के अंदर क्या दहशत होगी। लोग पार्कों में अपने बच्चे को भेजते हैं खेलने के लिए दोपहर के वक्त, कौन माँ बाप भेजेगा? तो हम आदेश गुप्ता जी से, क्योंकि वही एक आदमी है यहाँ पे, उनसे जानना चाहते हैं कि पिछले 15 सालों के अंदर स्ट्रे डॉग्स के लिए उन्होंने क्या किया। अगर 15 सालों से स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज करा जा रहा है तो अभी भी कुत्तों की आबादी क्यों बढ़ रही है? क्या उन्होंने किया कि इतने सारे लोगों को डॉग बाइट हो रही है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? हम ये आदेश गुप्ता जी से जानना चाहते हैं। सुन लिया आपने कैसे इन्होंने बताया कि 2009 के बाद कुत्तों की कोई गणना नहीं हुई है, कोई मर्दमशुमारी उनकी नहीं की गई है, जिसके बाद ये भी नहीं पता चल रहा है कि वर्तमान समय में दिल्ली के अंदर कितने कुत्ते हैं। उस वक्त मर्दमशुमारी की गई थी तो 5 लाख के आसपास कुत्ते निकल के आए थे, लेकिन जिस तेजी से कुत्तों की पैदावार बढ़ रही है उससे आज तादाद जो है वो करोड़ों में भी शायद पहुंच सकती है। एक एक गली के अंदर दर्जनों कुत्ते घूम रहे हैं और जिस तरीके से 3 साल की बच्ची को मारा गया है उसके बाद अभी मुद्दा अहम हो गया है कि एमसीडी आखिर इन पर क्या कार्रवाई करेगी। सौरभ भारद्वाज को आपने सुनी लिया होगा, उन्होंने बताया कि आखिर कुत्तों को पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है। उनकी सरकार की नहीं है, मोदी सरकार की नहीं है, लेकिन भाजपा शासित एमसीडी की जरूर है और एमसीडी अब इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं करती है। यही नहीं, अस्पताल के आंकड़े भी रिलीज नहीं किए जाते हैं। अस्पतालों में जो टीके रखे जाने होते हैं रेबीज़ के, वो तक भी नहीं रखते, क्योंकि रेबीज़ के टीके लगाए जाएंगे तो उससे भी एक फिगर सामने आ जाएगी कि रोज़ाना कितने लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, बंदर काट रहे हैं। ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति है अगर दिल्ली में 5,000 लोगों को वाकई में कुत्ते काट रहे हैं तो। क्या मोदी सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी या लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा मरने के लिए और बस? नारा लगाने के लिए तो है ही सब कुछ, जय श्री राम का नारा लगाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।